वेलकम टू मैकेनिकल वाला चैनल। आज हम कंडक्शन की कन्वेंशनल प्रॉब्लम से स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट प्रॉब्लम को देखते हैं। 1978 की प्रॉब्लम है, 18 मार्क्स की प्रॉब्लम थी। अ फर्नेस वॉल इज मेड अप ऑफ थ्री लेयर्स, वन ऑफ फायर ब्रिक्स, वन ऑफ इंसुलेटिंग ब्रिक, वन ऑफ रेड ब्रिक। द इनर एंड आउटर सर्फेसिस आर एट 870 डिग्री सेल्सियस एंड 40 डिग्री सेल्सियस रिस्पेक्टिवली। द रिस्पेक्टिव कोफिशियंट्स ऑफ थर्मल कंडक्टिविटीज ऑफ द लेयर्स आर 1 फॉर फायर ब्रिक, 0.12 फॉर इंसुलेटिंग ब्रिक एंड 0.75 फॉर रेड ब्रिक इन किलो कैलोरी पर मीटर आवर डिग्री सेल्सियस एंड द थिकनेस आर 22 सेंटीमीटर, 7.5 सेंटीमीटर एंड 11 सेंटीमीटर। अज्यूम क्लोज बॉन्डिंग ऑफ द लेयर्स एट देयर इंटरफेसेस। कैलकुलेट द रेट ऑफ हीट लॉस पर स्क्वायर मीटर पर आवर एंड द इंटरफेस टेम्परेचर्स। तो सबसे पहले फर्नेस को ड्रॉ करते हैं। ये फर्नेस की वॉल हो गई जो कि थ्री लेयर्स से मिलकर बनी है, फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर एंड थर्ड लेयर। फर्स्ट लेयर को मैं फायर ब्रिक है, फर्स्ट लेयर उसे एफ से डिनोट कर रहा हूँ। सेकंड लेयर मेरी इंसुलेटिंग ब्रिक है, डिनोटेड बाय आई एंड थर्ड रेड ब्रिक। ओके, इनर सरफेस टेम्परेचर 870 डिग्री सेल्सियस दे रखा है, आउटर सरफेस टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस दे रखा है। थर्मल कंडक्टिविटीज दे रखी है हमें, फायर ब्रिक की दे रखी है 1.0 किलो कैलोरी पर मीटर आर डिग्री सेल्सियस। इंसुलेटिंग ब्रिक की 0.12 किलो कैलोरी पर मीटर आर डिग्री सेल्सियस। रेड ब्रिक की 0.75 किलो कैलोरी पर मीटर आर डिग्री सेल्सियस। थिकनेस दे रखी है सेंटीमीटर्स में दे रखी है, मीटर में लिख रहे हैं डायरेक्ट। फायर ब्रिक की दे रखी है 0.22 मीटर, इंसुलेटिंग ब्रिक की दे रखी है 0.075 मीटर, रेड ब्रिक की 0.11 मीटर। ओके, और क्या दे रखा है हमें? थिकनेस, थर्मल कंडक्टिविटी, इनसाइड आउटसाइड टेम्परेचर दे रखा है। और हमसे बोल रहा है क्यू अपॉन ए फाइंड आउट करना है इन मीटर, इन किलो, इन एनर्जी की आपकी यूनिट नहीं दे रखी है पर स्क्वायर मीटर पर आर। तो हम किलो कैलोरी में फाइंड करेंगे, किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर आर। ओके, इंटरफेस टेम्परेचर बोल रहे टी, इंटरफेस इसे T1 मान लीजिए आप, इंटरफेस हो गया T2, T3 इसे आप T4 मान लीजिए। तो आपको क्या फाइंड करना है? T2 एंड T3 आपको फाइंड आउट करना है। ओके, प्रॉब्लम समझ में आ गई आपको, आप सॉल्व कर दें। सबसे पहले क्या करेंगे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए? सबसे पहले थर्मल सर्किट ड्रॉ करेंगे। कितने रेजिस्टेंस होंगे? 3 कंडक्शन रेजिस्टेंस होंगे। टेम्परेचर शो कर देते हैं T1, T2, T3, T4। थर्मल रेजिस्टेंस R1 हो गया, ये R2 हो गया, ये R3 हो गया। ओके, रेट ऑफ हीट फ्लो क्या होगा इस थर्मल सर्किट के लिए? डेल्टा टी अपॉन टोटल थर्मल रेजिस्टेंस। डेल्टा टी क्या है यहाँ पर? T1 माइनस T4, टोटल रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 प्लस R3। ओके, क्यू इज इक्वल टू T1 कितना है? 870, T4 40, R1 क्या होगा? रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? थर्मल रेजिस्टेंस का फोर्स स्लैब x अपॉन के ए, ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले की हेल्प से R1, R2, R3 लिखते हैं। x हेयर इज 0.22 फॉर इंसुलेट फॉर फायर ब्रिक एंड थर्मल कंडक्टिविटी के 1 ए, 0.075 अपॉन 0.12 ए, 0.11 डिवाइडेड बाय 0.75 इंटू ए। फाइंड आउट करते हैं, ये एरिया जो है डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में चला जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्यू अपॉन ए हो जाएगा। सॉल्व करते हैं, वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। 0.22 प्लस 0.075 डिवाइडेड बाय 0.12 प्लस 0.11 डिवाइडेड बाय 0.75, यू विल गेट इन द डिनोमिनेटर 0.991666। तो क्यू अपॉन ए क्या आएगा? इनवर्स इनटू 830, यू विल गेट 836.974 किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर आवर। यूनिट इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर। एक आंसर ये हो गया आपका। अभी हमें इंटरफेस टेम्परेचर फाइंड करने हैं। तो फॉर स्टडी स्टेट फ्लो क्या होगा? रेट ऑफ हीट फ्लो सेम रहेगा अक्रॉस ईच स्लैब। तो फॉर स्टडी स्टेट फ्लो हम क्या लिख सकते हैं?
स्टडी स्टेट फ्लो, क्यू इज इक्वल टू टी वन माइनस टी टू अपॉन थर्मल रेजिस्टेंस, टी टू माइनस टी थ्री अपॉन थर्मल रेजिस्टेंस। पहले इसे यूज करेंगे, टी टू फाइंड करेंगे, फिर इसे और इसे यूज करेंगे, तो टी टू की वैल्यू रख के टी थ्री फाइंड आउट करेंगे। क्यू कितना है हमारा अभी, क्यू पहले ये दोनों टर्म्स ले लेते हैं। टी वन हमारा कितना है 870 माइनस टी टू, आर वन कितना है एक्स अपॉन के, कहाँ से रखेंगे वैल्यू, डायरेक्ट यहाँ से रख सकते हैं 0.22 अपॉन 1 इंटू ए। ये एरिया न्यूमरेटर में जाएगा, न्यूमरेटर से क्रॉस मल्टीप्लाई होकर डिनोमिनेटर में आ जाएगा, क्यू अपॉन ए हो जाएगा। क्यू अपॉन ए की वैल्यू हमें पता है 836.974, 870 माइनस टी टू 0.22। इसे सॉल्व करते हैं, टी टू फाइंड आउट करते हैं, यू विल गेट 0.22 माइनस प्लस 870, 685.865 डिग्री सेल्सियस। ये आपका टी टू हो गया। टी थ्री फाइंड करते हैं, Q इज इक्वल टू टी टू आपको मिल गया यहाँ से 685.865 माइनस टी थ्री। आर टू रजिस्टेंस यहाँ से आप रख दीजिए 0.075 अपॉन 0.12 इंटू ए। ये डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में जाएगा, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में आ जाएगा, Q अपॉन ए की वैल्यू रख देते हैं यहाँ से 836.974, 685.865 माइनस टी थ्री अपॉन 0.075 अपॉन 0.12। इसे सॉल्व करते हैं और टी थ्री फाइंड आउट करते हैं, 836.974 मल्टीप्लाई 0.075 डिवाइड बाय 0.12 यू विल गेट 685.865 माइनस 162.756 डिग्री सेल्सियस। ये आपका आंसर आएगा, आपको तीनों आंसर मिल गए क्यू अपॉन ए, टी टू, टी थ्री, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट, सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 1981 का है, 17 मार्क्स की प्रॉब्लम है। द इनसाइड डायमेंशन ऑफ ए रेफ्रिजरेटर आर 50x50 सेंटीमीटर बेस, बेस की डायमेंशन दे रखी है और हाइट दे रखी है। दिस चैम्बर इज टू बी मेंटेन्ड एट 7 डिग्री सेल्सियस। द वॉल्स ऑफ द रेफ्रिजरेटर आर कंस्ट्रक्टेड ऑफ 2 माइल्ड स्टील शीट्स 3 mm थिक विद 5 cm ऑफ ग्लास वूल इंसुलेशन बिटवीन देम। इफ द एवरेज हीट ट्रांसफर कोफिशियंट एट द इनर एंड आउटर सर्फेसिस आर 10 and 12.5 किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर आर डिग्री सेल्सियस रिस्पेक्टिवली, एस्टिमेट द रेट एट विच हीट मस्ट बी रिमूव फ्रॉम द इंटीरियर टू मेंटेन द सराउंडिंग आउटसाइड टेम्परेचर एट 28 डिग्री सेल्सियस। वट विल बी द टेम्परेचर एट द सर्फेस ऑफ द वॉल। इसमें सराउंडिंग नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए आपका कि इनसाइड टेम्परेचर 7 डिग्री सेल्सियस मेंटेन करने के लिए कितनी हीट रिमूव करनी चाहिए। व्हाट विल बी द टेम्परेचर एट द सरफेस ऑफ द वॉल। द टेम्परेचर द थर्मल कंडक्टिविटीज फॉर माइल्ड स्टील एंड ग्लास वूल आर 40 एंड 0.04 किलो कैलोरी पर मीटर आर डिग्री सेल्सियस। तो सबसे पहले फिगर ड्रॉ करते हैं और समझते हैं क्या प्रॉब्लम है। देखिए आपको एक रेफ्रिजरेटर दे रखा है, ये मैं रेफ्रिजरेटर बना रहा हूं, ये आपको एक रेफ्रिजरेटर दे रखा है, ठीक है। रेफ्रिजरेटर को आप में आपको बेस की डायमेंशन दे रखी है 50 cm, 50 cm और हाइट दे रखी है आपको 100 cm। तो इससे पूरे रेफ्रिजरेटर की आपको डायमेंशंस मिल गई। रेफ्रिजरेटर में 4 रेक्टेंगुलर सरफेसेस हो गई और 2 स्क्वायर सरफेसेस हो गई। तो अगर मैं एरिया की बात करूँ तो एरिया कितना हो जाएगा, एरिया कितना हो जाएगा, टोटल एरिया 4 टाइम्स ऑफ, और इन सबको मैं मीटर में कन्वर्ट कर दूं, मीटर में ले लेता हूं, 4 × 0.5 × 1 प्लस 2 × 0.5 × 0.5 ये हो गया टोटल एरिया, हो गया 2 प्लस 0.5 × 0.5 × 0.25 × 2.05 यू विल गेट 2.5 m², ये एरिया हो गया। इससे आपको एरिया मिल गया पूरी बॉडी का। अब हमसे क्या कह रहे हैं कि जो इसकी वॉल बनी हुई है, वॉल सारी वॉल्स होंगी, वो कैसे बनी है,
माइल्ड स्टील के बीच में ग्लास वूल को इंसर्ट करके, माइल्ड स्टील शीट्स के बीच में ग्लास वूल को इंसर्ट करके, ये आपको दे रखी है 3 mm थिकनेस ऑफ MS, और ग्लास वूल की कितनी दे रखी है आपको 5 cm, सेंटीमीटर में दे रखी है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, 5 cm। अगर मैं इन सबको मीटर में कन्वर्ट करूं तो कितना आएगा, 0.003 मीटर, ये हो जाएगा 0.05 मीटर, ये 0.003 मीटर, क्लियर। इसके अलावा क्या दे रखा है आपको, एवरेज हीट ट्रांसफर कोफिशियंट एट द इनर एंड आउटर सर्फेसेस, ये इनसाइड होगी, मैं राइट वॉल को लेकर चल रहा हूँ, तो ये इनसाइड हुई, इनसाइड हीट ट्रांसफर कोफिशियंट आपको दे रखा टैन 10 kcal पर मीटर स्क्वायर आर डिग्री सेल्सियस, और एच नॉट आपको दे रखा है 12.5 kcal पर मीटर स्क्वायर आर डिग्री सेल्सियस। ओके, एस्टिमेट द रेट एट विच हीट मस्ट बी रिमूव फ्रॉम द इंटीरियर टू मेंटेन द सराउंडिंग आउटसाइड टेम्परेचर एट 28 डिग्री सेल्सियस। देखिए सराउंडिंग का तो टेम्परेचर मेंटेन रहेगा क्योंकि वो हीट रिजर्वायर है, इनसाइड यहाँ पर होना चाहिए था टू मेंटेन द इनसाइड टेम्परेचर एट 7 डिग्री सेल्सियस। तो आपको इनसाइड टेम्परेचर दे रखा है टी इन्फिनिटी आई दे रखा है आपको 7 डिग्री सेल्सियस, और आउटसाइड टेम्परेचर दे रखा है 28 डिग्री सेल्सियस। तो इससे क्या क्लियर हो गया, जो मेरी हीट फ्लो हो रही है वो आउटसाइड से इनसाइड होगी, हीट फ्लो, रेट ऑफ हीट फ्लो। इसके अलावा क्या दे रखा है, व्हाट विल बी द टेम्परेचर एट द सरफेस ऑफ द वॉल, द थर्मल कंडक्टिविटीज फॉर माइल्ड स्टील एंड ग्लास वूल, थर्मल कंडक्टिविटीज भी दे रखी है, MS की दे रखी है 40 kcal पर मीटर आर डिग्री सेल्सियस, ग्लास वूल की दे रखी है 0.04 kcal पर मीटर आर डिग्री सेल्सियस, इतना आपको डाटा दे रखा है। क्वेश्चन में आपसे दो चीज़ें पूछ रहा है, एक तो आपसे रेट ऑफ हीट फ्लो पूछ रहा है, कितनी हीट रिमूव करनी होगी टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए, दूसरा आपसे वॉल सरफेस टेम्परेचर मीन्स ये टेम्परेचर पूछ रहा है, इस टेम्परेचर, अगर मैं इसे T1 मान लेता हूँ, इसे T2, इसे T3, इसे T4 फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है, ये दो हमसे बोल रहा है कि ये फाइंड आउट करिए, ये दो फाइंड आउट करिए, तो फाइंड आउट करते हैं, या तो आप यूनिट्स का कन्वर्जन कर लीजिए किलो कैलोरी का जूल में, अदरवाइज मत करिए, अगर आपको लग रहा है कि मैं सॉल्व कर सकता हूँ विदाउट कन्फ्यूजन तो नहीं करते हैं। देखिए सबसे पहले मैंने बताया आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, सबसे पहले थर्मल सर्किट ड्रॉ करना है फॉर बेटर प्रेजेंटेशन इन कन्वेंशनल क्वेश्चंस। ये एक रजिस्ट, कितने रजिस्टेंस होंगे यहाँ पर, 3 तो कंडक्शन रजिस्टेंस हो गए, 2 सरफेस कन्वेक्शन रजिस्टेंस हो गए, ये पहला कन्वेक्शन रजिस्टेंस, कंडक्शन कन्वेक्शन, 5 रेजिस्टेंस हो गए। टेम्परेचर शो कर देते हैं, टी इन्फिनिटी आई विच इज 7 डिग्री सेल्सियस, T1, T2, T3, T4, टी इन्फिनिटी नॉट विच इज 28 डिग्री सेल्सियस। ओके, रेजिस्टेंस की मैं बात करूं, ये R1 हो गया, R2, R3, R4, R5। मुझसे बोल रहा रेट ऑफ हीट फ्लो Q इज इक्वल टू क्या होगा, टी इन्फिनिटी आई माइनस टी इन्फिनिटी नॉट अपॉन टोटल थर्मल रेजिस्टेंस, विच कैन बी रिटन एज टी इन्फिनिटी नॉट माइनस टी इन्फिनिटी आई होगा, क्योंकि हीट बाहर से इनसाइड फ्लो करेगी, टी इन्फिनिटी नॉट माइनस टी इन्फिनिटी आई अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5, ये हो गया। टी इन्फिनिटी नॉट कितना है 28, टी इन्फिनिटी आई 7, R1 कितना होगा मेरा रेजिस्टेंस 1 अपॉन एच ए होगा, और वो भी एच इनसाइड वाला, एरिया सेम रहेगा क्योंकि मैं पूरी बॉडी की बात कर रहा हूँ, एरिया में कन्फ्यूज नहीं होना है क्योंकि मैं जो एनालिसिस कर रहा हूँ वो पूरी बॉडी को लेकर कर रहा हूँ, ये जस्ट फॉर शोइंग था, तो एरिया यहाँ पर सबका सेम रहेगा, 1 अपॉन एच आई ए। कंडक्शन रेजिस्टेंस देखूँ मैं फर्स्ट सीट में, MS सीट में
यहां हो जाएगा मेरा x अपॉन के ए एम एस, इसे मैं x1 मान ले रहा हूं, x1, x2 अपॉन के ग्लास वूल एरिया, x3 अपॉन के एम एस एरिया प्लस 1 अपॉन एच नॉट ए। ओके माय डियर फ्रेंड्स, एरिया इज कॉमन इन द डिनोमिनेटर, तो ये न्यूमरेटर में चला जाएगा। इसके अलावा देखिए x1 और के एम एस और x3 के एम एस दोनों सेम है क्योंकि थिकनेस दोनों की सेम दे रखी है, मटेरियल भी सेम है। तो q इज इक्वल टू 21 इंटू एरिया 1 अपॉन एच आई प्लस 2 टाइम्स ऑफ x1 अपॉन के एम एस प्लस x2 अपॉन के जी प्लस 1 अपॉन एच नॉट, ये हो गया। अब वैल्यूज को रख देते हैं, 21 एरिया कितना है 2.5, 1 अपॉन एच आई कितना है 10 प्लस 2 इंटू एक्स वन कितना है 0.03 अपॉन माइल्ड स्टील की थर्मल कंडक्टिविटी 40 है प्लस एक्स टू 0.05 के जी 0.04 प्लस 1 अपॉन एच नॉट 12.5। इसे सॉल्व करते हैं और वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। 0.1 प्लस 0.006 डिवाइड बाय 40 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 12.5 इनवर्स मल्टीप्लाई बाय 21 इंटू 2.5 यू विल गेट 36.7 किलो कैलोरी पर मीट पर आर। ये होगा आपका फर्स्ट आंसर आ गया जो आपको फाइंड आउट करना था क्यू। अब हमें टी फोर फाइंड आउट करना है, टी फोर, तो टी फोर फाइंड आउट कर सकते हैं, क्यू इज इक्वल टू एच नॉट इंटू ए इंटू टी इन्फिनिटी नॉट माइनस टी फोर। देखिए हीट फ्लो कहां से होगा, हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ। क्यू कितना है 36.7 किलो कैलोरी पर आर, एच नॉट कितना है हमारा 12.5, एरिया कितना होगा 2.5, एरिया सेम रहेगा पूरी बॉडी का 2 इंटू 2.5, टी इन्फिनिटी नॉट 28 माइनस टी फोर, तो यहाँ से टी फोर आ जाएगा। टी फोर कितना आएगा 36.7 डिवाइड बाय 12.5 डिवाइड बाय 2.5 मल्टीप्लाई बाय माइनस 1 प्लस 28 26.8256 डिग्री सेल्सियस, ये हो गया टेम्परेचर ऑन द वॉल सरफेस। समझ में आ गया, नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट। नाउ कम टू क्वेश्चन 3, 1982 की प्रॉब्लम है 20 मार्क्स की। अ स्टील पाइप 100 mm ओडी एंड 5 mm थिक कैरिंग सुपर हीटेड स्टीम एट 300 डिग्री सेल्सियस इज टू बी इंसुलेटेड सच डैट हीट लॉस्ट फ्रॉम ईच मीटर लेंथ ऑफ द पाइप इज रिस्ट्रिक्टेड टू 100 किलो कैलोरी पर मीटर आर, द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग इज 30 डिग्री सेल्सियस, द इनसाइड एंड आउटसाइड हीट ट्रांसफर कोफिशियंट्स आर 500 किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर आर एंड 10 किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर आर डिग्री सेल्सियस, द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ स्टील मे बी अज्यूम टू बी 40 किलो कैलोरी पर मीटर आर डिग्री सेल्सियस, डिटरमाइन द इंसुलेशन थिकनेस एंड द टेम्परेचर एट इट्स आउटर एंड इनर रेडियाई, द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ इंसुलेशन मे बी अज्यूम टू बी 0.045 किलो कैलोरी पर मीटर आर डिग्री सेल्सियस। तो हमसे क्या क्या पूछा है, दो चीज़ें पूछी, एक तो इंसुलेशन थिकनेस और टेम्परेचर इंसुलेशन की इनर और आउटर रेडियाई पे। देखिए माय डियर फ्रेंड्स, इसमें भी यूनिट्स किस में दे रखी है, किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर में दे रखी है, किलो कैलोरी और आर में दे रखी है। देखिए एक प्रॉब्लम को हम किलो जूल पर सेकंड में कन्वर्ट करके देख लेते हैं, किलो कैलोरी को जूल में और आर को सेकंड में, इस तरह की प्रॉब्लम भी आ सकती है। तो एक प्रॉब्लम को इस तरह से देखते हैं, स्टील पाइप दे रखा है, पहले फिगर बना लेते हैं, ओडी दे रखा है, थिकनेस दे रखी है, मीन्स हम आईडी निकाल सकते हैं। ये हो गया ओडी, ये हो गया आईडी, ठीक है। ओडी जो दे रखा है उसे हम D2 मान लेते हैं, D2 100 mm, आईडी निकाल सकते हैं क्योंकि हमें थिकनेस दे रखी है कितनी 5 mm, तो D2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ T, D2 हेयर इज 100 एंड T हेयर इज 5 K
कितना मिल गया D1 मुझे, 100 माइनस 10 डैट इज 90 mm. तो यहाँ से मुझे R1 मिल गया और R2 मिल गया. R1 इज 45 mm एंड R2 एयर इज 50 mm. दिस इज R1 एंड दिस इज R2. ठीक है, इसके ऊपर एक इंसुलेशन को रैप किया गया है जिसके थिकनेस फाइंड आउट करने के लिए बोला है. इंसुलेशन को इस तरह से रैप किया गया है कि हमें दे रखा है कि इससे जो हीट लॉस हो रहा है, हीट लॉस फ्रॉम ईच मीटर लेंथ मींस क्यू अपॉन एल, कितना दे रखा है, 100 किलो कैलोरी पर मीटर आर, ये हमें दे रखा है. टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग टी इन्फिनिटी नॉट दे रखा है हमें, आउटसाइड टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस और इनसाइड दे रखा है 300 डिग्री सेल्सियस. टी इन्फिनिटी आई 300 डिग्री सेल्सियस, I फॉर इनसाइड, O फॉर आउट, आउटसाइड. ओके, इनसाइड एंड आउटसाइड हीट ट्रांसफर कोफिशियंट्स भी दे रखे हैं हमें. इनसाइड HI दे रखा है हमें 500 किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर आर, H0 10 किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर आर. ओके, थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ स्टील दे रखी है और इंसुलेशन भी दे रखी है. फॉर स्टील एस एंड इंसुलेशन आई, के एस दे रखा है हमें 40 किलो कैलोरी पर मीटर आर डिग्री सेल्सियस. इसके साथ कैल्विन भी होगा. HI, देखिए HI की यूनिट कहाँ है, ये आर डिग्री सेल्सियस दे रखा है. यहाँ पर डिग्री सेल्सियस छूट गया है लेकिन आपको लेना है ये डिग्री सेल्सियस. ओके, इंसुलेशन की थर्मल कंडक्टिविटी आपको देखिए 0.045 किलो कैलोरी पर मीटर आर डिग्री सेल्सियस. इतना आपको डाटा दे रखा है, टेम्परेचर्स दे रखे हैं, R1 R2 मिल गया, Q अपन L दे रखा है, HI H0 KS KSI दे रखा है. ठीक है, क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है, डिटरमाइन द इंसुलेशन थिकनेस. इंसुलेशन थिकनेस क्या होगी, अगर मैं आउटसाइड रेडियस या इंसुलेशन की रेडियस R3 मान लूं तो इंसुलेशन थिकनेस होगी R3 माइनस R2 थिकनेस, R3 माइनस R2 होगी. और क्या बोल रहा है, आउटर एंड इनर रेडियाई पे टेम्परेचर्स, अगर ये T1 है, ये T2 है और इस पर T3 है, तो हमसे बोल रहा है कि T2 T3 भी फाइंड आउट करिए, T2 T3 भी फाइंड आउट करिए. क्वेश्चन समझ में आ गया. सबसे पहले क्या करते हैं, कन्वर्जन कर लेते हैं यूनिट्स का, वो आप पर डिपेंड करता है कि आपको करना है नहीं करना है, लेकिन मैं फिर भी करके दिखा दूंगा. एक प्रॉब्लम इस तरह से होनी चाहिए. पहले क्यू अपन एल को करते हैं, 100 किलो कैलोरी के लिए क्या करते हैं, जूल में कन्वर्ट करने के लिए 4186 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, आर को सेकंड में करने के लिए 3600 से डिवाइड कर देते हैं. 100 इंटू 4186 डिवाइड बाई 3600 यू विल गेट 116.277. ये हो गया जूल में और ये हो गया सेकंड में, तो ये हो गया वॉट पर मीटर. ओके, HI को कन्वर्ट करते हैं, 4186 से मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड बाई 3600 यू विल गेट 581.388. अब ये हो जाएगी यूनिट वाट पर मीटर स्क्वायर डिग्री सेल्सियस. इसको करते 10 × 4186 डिवाइड बाय 3600, 11.627 वाट पर मीटर स्क्वायर डिग्री सेल्सियस. स्टील की थर्मल कंडक्टिविटी 40 × 4186 डिवाइडेड बाय 3600, 46.511 वाट पर मीटर डिग्री सेल्सियस. ओके, 0.045 × 4186 डिवाइडेड बाय 3600, 0.0523 वॉट पर मीटर डिग्री सेल्सियस. कन्वर्जन कर लिया. अब प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं. प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले एक बार थर्मल सर्किट ड्रॉ कर लेते हैं. इसका थर्मल सर्किट क्या होगा,
कितने रेजिस्टेंस होंगे? पांच होंगे, चार रेजिस्टेंस होंगे, दो कंडक्शन रेजिस्टेंस होंगे, दो कन्वेक्शन रेजिस्टेंस होंगे। इनसाइड सरफेस के लिए कन्वेक्शन रेजिस्टेंस आ जाएगा, आउटसाइड सरफेस के लिए कन्वेक्शन रेजिस्टेंस आ जाएगा। तो चार कन्वेक्शन चार रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ओके, टेम्परेचर शो कर देते हैं, टी इन्फिनिटी आई, टी इन्फिनिटी नॉट, टी वन, टी टू, टी थ्री। ओके, ये हो गए रेजिस्टेंस आर वन, आर टू, आर थ्री, आर फोर। क्यू निकालते हैं, क्यू क्या होगा? क्यू होगा टी इन्फिनिटी आई, इनसाइड से आउटसाइड हीट ट्रांसफर होगी, इनसाइड से आउटसाइड, और वो भी रेडियल हीट ट्रांसफर होगा। ठीक है, टी इन्फिनिटी आई माइनस टी इन्फिनिटी नॉट अपॉन टोटल थर्मल रेजिस्टेंस, टी इन्फिनिटी आई माइनस टी इन्फिनिटी नॉट अपॉन आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री प्लस आर फोर। ठीक है, क्यू टी इन्फिनिटी आई कितना है? 300 माइनस 30। आर वन कितना होगा? 1 अपॉन एच आई इंटू टू पाई आर वन एल। क्लियर, इनसाइड सरफेस एरिया हो जाएगा 2 पाई आर वन एल। कंडक्शन रेजिस्टेंस सिलेंडर के केस में देखते हैं, एल एन आर टू अपॉन आर वन अपॉन टू पाई। थर्मल कंडक्टिविटी किसकी होगी? स्टील की लेंथ, एल एन आर थ्री अपॉन आर टू अपॉन टू पाई के। इंसुलेशन की थर्मल कंडक्टिविटी लेंथ, 1 अपॉन एच नॉट इंटू टू पाई आर आर थ्री इंटू एल। ओके, दो कंडक्शन रेजिस्टेंस हो गए, दो कन्वेक्शन रेजिस्टेंस हो गए। रेडियस को देख लीजिए, गलती तो नहीं हुई है। देखिए, 2 पाई एल डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में चला जाएगा और वैल्यूज को रखते हैं। ये हो गया 270, ये 2 पाई एल डिनोमिनेटर से आ गया। यू विल गेट हेयर 1 अपॉन एच आई इंटू आर वन प्लस एल एन आर टू अपॉन आर वन अपॉन के एस प्लस एल एन आर थ्री अपॉन आर टू अपॉन के आई प्लस 1 अपॉन एच नॉट इंटू आर थ्री। ये आ गया। अब वैल्यूज को फीड कर देते हैं। क्यू एल को इधर ले लेते हैं डिनोमिनेटर में। क्यू अपॉन एल की वैल्यू पता है आपको, ये देखिए क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ था, 116.277। अब माय डियर फ्रेंड, सारी यूनिट्स वाट पर मीटर वाली रखेंगे, वो अब किलो कैलोरी और आर वाली यूनिट्स यूज नहीं करेंगे। 270 इंटू टू पाई लेंथ में इधर ले आया था डिनोमिनेटर में, जिसकी वजह से क्यू अपॉन एल मिला। क्यू अपॉन एल की वैल्यू रख दी। 1 अपॉन एच आई कितना दिया है हमें? 581.388। आर वन कितना है? 45 mm, तो इसे मीटर में रखेंगे, 0.45 ln। आर टू अपॉन आर वन, यहाँ तो डिवीजन में, तो इसे मीटर में रख लीजिए या mm में रख लीजिए, 50 अपॉन 45। थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ स्टील 46.511 प्लस ln। आर थ्री पता नहीं है, आर टू आपको ऑलरेडी दिया, इसे मीटर में ले रहे हैं ताकि आर थ्री आपका डायरेक्ट मीटर में आएगा। के इंसुलेशन की थर्मल कंडक्टिविटी 0.0523 प्लस 1 अपॉन एच नॉट हेयर इज 11.627। आर थ्री नहीं पता। ठीक है, इसे सॉल्व करते हैं और इक्वेशन को डायरेक्ट लिखते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, आप देखिए, मैं क्या करूँगा, इस टर्म को इससे डिवाइड करूँगा। चलो स्टेप डायरेक्ट शो कर देता हूँ मैं। ये वैल्यू हो जाएगी मेरी 581.388 इंटू 0.45 इनवर्स 0.038222। अब मैं इस टर्म को इधर ले आ रहा हूँ लेफ्ट हैंड साइड, और इस टर्म को इधर लेकर जाऊँगा तो ये टर्म डिवाइड हो जाएगी। एल एन 50 अपॉन 45 46.511 प्लस एल एन
आर थ्री अपॉन 0.05 अपॉन 0.0523 प्लस 1 अपॉन 11.627 इंटू आर थ्री। राइट हैंड साइड में मुझे मिलेगा 270 इंटू 2 पाई डिवाइडेड बाय 116.277। आई विल गेट हेयर 14.589। ये मिला मुझे। इसमें देखिए ये टर्म भी ऑलरेडी वैल्यू मिल चुकी है, इसे इसकी भी वैल्यू मिल जाएगी। इन दोनों को ऐड कर दूंगा, जो ऐड करने पर मिलेगा उसे मैं राइट हैंड साइड ले जाऊंगा, इसे सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। तो बची हुई लेफ्ट हैंड साइड क्या होगी मेरी, एल एन आर थ्री अपॉन 0.05। इसे मैं न्यूमरेटर में ले आता हूँ, न्यूमरेटर में लाऊंगा तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 0.0523। आई विल गेट हेयर 19.12 प्लस 1 अपॉन 11.627 इंटू आर थ्री। अब इसे सॉल्व करते हैं इन दो टर्म्स को, और इसे क्या मिलेगा, 50 डिवाइडेड बाय 45 एल एन डिवाइडेड बाय 46.511 प्लस 0.038222 14.589। इधर मुझे राइट हैंड साइड में मिलेगा 14.5485। ये मिल गया। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। ये मेरे पास 991 ES है, इसमें वैल्यूज को फीड कर रहा हूं। 19.12 एल एन एक्स 0.05 ब्रैकेट क्लोज प्लस 1 11.627 एक्स ब्रैकेट क्लोज इक्वल 14.5485। थ्री आपको मिला 0.104 मीटर। अगर mm में लिखेंगे तो ये हो गया 104 mm। आपको आर थ्री मिल गया, आर टू पहले से पता है, आप थिकनेस ऑफ इंसुलेशन निकाल सकते हैं। थिकनेस ऑफ इंसुलेशन आपकी हो गई आर थ्री माइनस आर टू, डैट इज इक्वल टू 104 माइनस 50। आर टू हेयर इज 50, यू विल गेट हेयर 54 mm। ये आपका एक आंसर निकल आया। अब हमको क्या फाइंड करना है, T2 और T3। ठीक है, फॉर स्टडी स्टेट हीट फ्लो क्या होगा, फॉर स्टडी स्टेट हीट फ्लो, देखिए जो अमाउंट ऑफ हीट फ्लो, रेट ऑफ हीट फ्लो फर्स्ट सिलेंडर से पास करेगी, वही सेकेंड सिलेंड्रिकल इंसुलेशन से पास करेगी, रेट ऑफ हीट फ्लो चेंज नहीं होगा। तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, क्यू इज इक्वल टू T2 माइनस T3 अपॉन एल एन R3 अपॉन R2 अपॉन 2πk इंसुलेशन L इज इक्वल टू T3 माइनस T∞ नॉट अपॉन 1 अपॉन एच नॉट 2πr3L। क्लियर। अब देखिए माय डियर फ्रेंड्स, आपको Q अपॉन L की वैल्यू ऑलरेडी पता है, Q अपॉन L पता है हमें, R3 भी पता है, R2 भी पता है, लेकिन यहाँ पर T2 T3 नहीं पता है। तो पहले हम इसे सॉल्व करते हैं, क्योंकि इसमें हमें T∞ नॉट पता है, Q अपॉन L पता है, H नॉट पता है, R3 पता है, तो T3 फाइंड आउट हो जाएगा। तो Q इज इक्वल टू T3 माइनस T∞ नॉट अपॉन 1 अपॉन H नॉट 2πr3L। तो Q अपॉन L आपको कितना दिया है, 116.277। T3 माइनस T∞ नॉट 30 दिया है, 1 अपॉन एच नॉट कितना है, 11.627 इंटू 2π R3 कितना है, R3 अभी हमने फाइंड आउट किया, डैट इज 0.104 मीटर, मीटर में रखना है आपको। अब आप T3 फाइंड आउट कर सकते हैं, कैलकुलेटर का यूज़ करते हैं और वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। 116.277 डिवाइडेड बाय 11.627 मल्टीप्लाई 2π
इंटू 0.104 15.304 प्लस 30 यू विल गेट 45.3 डिग्री सेल्सियस T3 45.304 डिग्री सेल्सियस T3 मिल गया आपको। अब T3 की वैल्यू इसमें रखेंगे और बाकी आपको पता है T2 आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ हो जाएगा Q अपॉन L डैट इज 116.277 T2 माइनस 45.304 अपॉन LN R3 आपका 104 आया, ये 0.104 मीटर में रखेंगे। R2 आपका था 0.05 मीटर अपॉन 2 पाई। थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ इंसुलेशन कितनी थी? 0.0523। ओके ये हो गया। अब यहाँ से हम T2 फाइंड कर सकते हैं, कैलकुलेटर का यूज करते हैं। वैल्यू T2 हेयर 304.45 डिग्री सेल्सियस, ये आपका आंसर आएगा 304.45 डिग्री सेल्सियस। नाउ कम टू प्रॉब्लम नंबर 4th, IAS 1982 की प्रॉब्लम, 20 मार्क्स की। इसमें क्रिटिकल रेडियस फोर सिलेंडर के ऊपर एक थर्मल इंसुलेशन को रैप कर रखा है। थर्मल कंडक्टिविटी इंसुलेशन की K2 दे रखी है और हीट ट्रांसफर कोफिशियंट एट द आउटर सर्फेस H0 दे रखा है। क्रिटिकल रेडियस इज इक्वल टू K2 अपॉन H0 प्रूव करने के लिए बोल रहा है। मैंने ऑलरेडी इस पर वीडियो बना रखी है जिसकी लिंक आपको कमेंट सेक्शन डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगी, आप वहां से उस वीडियो पर जा सकते हैं। नाउ कम टू प्रॉब्लम नंबर 5th, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द हीट ट्रांसफर रेट फ्रॉम एन इन्फिनाइटली लॉन्ग कंपोजिट सिलेंडर कंसिस्टिंग ऑफ मटेरियल्स ऑफ डिफरेंट थर्मल कंडक्टिविटीज। 1982 में आ चुका है ये क्वेश्चन और एक बार और आ चुका है बिफोर 2000, वो मैं बता दूंगा कब आया है। उसमें एडिशनली एक आपसे इनसाइड ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशियंट, तो वो भी मैं इसी में कवर कर लूँगा ताकि आपको सेपरेट ना करना पड़े। तो इस प्रॉब्लम को देखते हैं, इस क्वेश्चन को क्या प्रूव करना है। कंपोजिट सिलेंडर बनाना है पहले तो डिफरेंट थर्मल कंडक्टिविटी का। तो मैं सिलेंडर को ड्रॉ कर रहा हूँ, ये मेरा फर्स्ट सिलेंडर हो गया। अब सेकेंड सिलेंडर को मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये सेकेंड सिलेंडर हो गया। तीन सिलेंडर्स लेकर प्रॉब्लम को कर रहा हूँ, टू सिलेंडर्स लेकर भी किया जा सकता है। ठीक है, ये सेंट्रल एक्सिस हो गई, ये हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल हो गए। ओके रेडियस शो कर देते हैं, इसके लिए R1, इसके लिए R2, इसके लिए R3, इसके लिए R4 रेडियस हो गई। थर्मल कंडक्टिविटी इसके लिए K1 हो गई, इसके लिए K2 हो गई, इसके लिए K3 हो गई। ठीक है, इंटरफेस टेम्परेचर देख लेते हैं, T1, T2, T3, T4। ओके फ्लूड भी मान लेते हैं, अंदर भी कोई फ्लूड है और एम्बिएंट सरफेस पे भी कोई फ्लूड है। एम्बिएंट सरफेस पे फ्लूड मान लिया जिसका टेम्परेचर, कोल्ड फ्लूड मान लिया बाहर और अंदर हॉट फ्लूड मान लिया, तो इसका टेम्परेचर हो गया TCF, इसका हो गया THF। ओके हीट ट्रांसफर कोफिशियंट हॉट फ्लूड के लिए H थोड़ा कन्फ्यूजिंग हो जाएगा, HI ले ले रहा हूँ और इसे मैं H0 ले ले रहा हूँ। क्लियर, अब इसे सॉल्व करते हैं। देखिए फॉर स्टडी स्टेट एजम्पशंस ले लेते हैं कि स्टडी स्टेट माना है, आप लिख देना, मैं स्टेप अवॉइड कर रहा हूँ। फॉर स्टडी स्टेट क्या होगा, रेट ऑफ हीट फ्लो क्यू इज इक्वल टू जो भी हीट इससे फ्लो हो रहा है, रेट ऑफ हीट फ्लो सेम रहेगा क्यू सारे सिलेंडर्स में सेम रहेगा, बस एरिया चेंज होता जा रहा है। तो मैं लिखता हूँ Q इज इक्वल टू THF, हीट जो होगी अंदर से बाहर की तरफ फ्लो करेगी, हायर टेम्परेचर इनसाइड है और आउटसाइड टेम्परेचर लोअर है, THF माइनस T1 अपॉन HI, एरिया AI हो जाएगा इनसाइड एरिया। ठीक है, AI इज इक्वल टू या A1 लिख दीजिए आप, क्योंकि रेडियस इसकी R1 है
सेंटर से देख सकते हैं, तो A1 से एरिया डिनोट कर रहे हैं। T1 माइनस T2 कंडक्शन रेजिस्टेंस Ln R2 अपॉन R1 2 पाई K1L। देखिए इनफिनाइट क्वेश्चन में दिया था, इन्फिनाइटली लॉन्ग कंपोजिट सिलेंडर मीन सबकी लेंथ सेम है, तो L से डिनोट कर रहा हूँ। T2 माइनस T3 अपॉन Ln R3 अपॉन R2 2 पाई K2L। T3 माइनस T4 अपॉन Ln R4 अपॉन R3 2 पाई K3L। ओके T4 माइनस TCF अपॉन कन्वेक्शन रेजिस्टेंस 1 अपॉन H0 इंटू 2 पाई। बाहर का अगर मैं एरिया लिखूँ तो उसे A4 लिखता हूँ। A4 क्या होगा, 2 पाई R4L। एक स्टेप मैंने अवॉइड कर दिया यहाँ पर। A1 क्या है यहाँ पर, 2 पाई R1L। क्लियर। देखिए माय डियर फ्रेंड्स, 2 पाई L इज कॉमन इन द डिनोमिनेटर, तो वो न्यूमिनेटर में चला जाएगा। डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में 2 पाई L कॉमन है, जो कि हम न्यूमिनेटर में ले जाएंगे। लेकिन अभी ले जाने का कोई मतलब नहीं है, अभी सॉल्व करते हैं टेम्परेचर्स को। तो मैं क्या करूँगा, पहले क्यू के साथ स्टर्म को लूँगा, सॉल्व करूँगा, फिर क्यू के साथ स्टर्म को लूँगा, फिर सॉल्व करूँगा। ऐसे ही मैं इंडिविजुअल टर्म को लेकर सॉल्व कर रहा हूँ। वट आई विल गेट हेयर, THF माइनस T1 इज इक्वल टू क्यू इंटू 1 अपॉन HIAI। लिख सकता हूँ अगर सिंप्लीफाई करें तो इसे, और Q इंटू 1 अपॉन HI इंटू 2 पाई R1N। ओके T1 माइनस T2 इज इक्वल टू Q इंटू Ln R2 अपॉन R1 अपॉन 2 पाई K1L। T2 माइनस T3 इज इक्वल टू Q इंटू Ln R3 अपॉन R2 अपॉन 2 पाई K2L। T3 माइनस T4 Q इंटू Ln R4 अपॉन R3 अपॉन 2 पाई K3L। T4 माइनस TCF Q इंटू 1 अपॉन H0 इंटू 2 पाई R4L। ये हो गया। इसे मैं इक्वेशन फर्स्ट मान लेता हूँ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ। सभी को ऐड कर देते हैं तो आप देखिए, माइनस T1 प्लस T1 कैंसिल, माइनस T2 प्लस T2 कैंसिल, माइनस T3 प्लस T3 कैंसिल, माइनस T4 प्लस T4 कैंसिल। व्हाट आई विल गेट हियर ऑन एडिंग ऑल इक्वेशन 1 टू 5th, THF माइनस TCF इज इक्वल टू Q ब्रैकेट 1 अपॉन HI 1 अपॉन HI 2 पाई R1L प्लस Ln R3 अपॉन R2 सॉरी R2 अपॉन R1 अपॉन 2 पाई K1L प्लस Ln R3 अपॉन R2 अपॉन 2 पाई K2L प्लस Ln R4 अपॉन R3 अपॉन 2 पाई K3L प्लस 1 अपॉन H0 इंटू 2 पाई R4L। ओके माय डियर फ्रेंड्स, इसमें से मैं 2 पाई L कॉमन ले सकता हूँ और कॉमन लूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, यहाँ न्यूमरेटर में चला जाएगा। तो मुझे क्या मिलेगा, 2 पाई L इंटू THF माइनस TCF Q इंटू 1 अपॉन HI R1 प्लस Ln R2 अपॉन R1 अपॉन K1 Ln R3 अपॉन R2 अपॉन K2 प्लस Ln R4 अपॉन R3 अपॉन K3 प्लस 1 अपॉन H0 R4। ये मिला, तो यहाँ से मुझे Q का रिलेशन मिल गया, Q का एक्सप्रेशन मिल गया, 2 पाई L THF माइनस TCF अपॉन 1 अपॉन HI R1 प्लस 1 अपॉन K1 Ln R2 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन K2
एल एन आर थ्री अपॉन आर टू प्लस वन अपॉन के थ्री एल एन आर फोर अपॉन आर थ्री प्लस वन अपॉन एच नॉट आर फोर। ये रिलेशन मिल गया। ये मैं जब तीन कंपोजिट सिलेंडर्स लेकर चल रहा हूँ, लेकिन क्वेश्चन में ऐसा कुछ दिया नहीं है कि आप कितने सिलेंडर्स लेकर चल रहे हो, तो मुझे एक्सप्रेशन जो बनाना है वो जनरलाइज बनाना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ कि एन नंबर ऑफ कंसेंट्रिक सिलेंडर्स हैं, एन नंबर ऑफ कंसेंट्रिक सिलेंडर्स हैं। इफ देयर आर एन नंबर ऑफ कंसेंट्रिक सिलेंडर्स तो क्या एक्सप्रेशन हो जाएगा, देखिए Q इज इक्वल टू टू पाई एल, सेम रहेगा, एक्सट्रीम टेम्परेचर्स ले रहे हैं, वन अपॉन ये ट्रांसफर कोफिशियंट भी सेम रहेगा, वन अपॉन एच आई इन साइड का आर वन प्लस ये टर्म सेम रहेगी इन साइड के लिए, जनरलाइज जो होगी टर्म मेरी ये होगी एंड ये वाली टर्म होगी। देखिए आप देखिए यहाँ पर भी वन है ऊपर एक वन ऐड हो जा रहा है, यहाँ पर टू टू है एक ऐड होने पर थ्री हो जा रहा है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, अगर ये मेरा के एन आर एन है तो ये आर एन प्लस वन हो जाएगा, ये हो गया के एन एल एन आर एन प्लस वन अपॉन आर एन सिग्मा एन इज इक्वल टू वन से एन के लिए प्लस वन अपॉन एच नॉट। अब देखिए यहाँ तक क्या था, जब मेरे तीन कंपोजिट सिलेंडर्स थे तो जो सरफेस कन्वेक्टिव रेजिस्टेंस है उसमें जो रेडियस आ रही है आर फोर आ रही है, एक ज़्यादा आ रही है, यहाँ आर थ्री है, थ्री प्लस वन फोर हो जा रहा है, तो मैं क्या लिखूँगा आर एन प्लस वन। अगर सपोज इसमें फोर है, एन इज इक्वल टू वन से फोर है, तो यहाँ आर फाइव हो जाएगा, थ्री है तो फोर हो जाएगा, टू है थ्री हो जाएगा, क्लियर। तो ये मेरा जनरल एक्सप्रेशन हो गया, जनरलाइज्ड एक्सप्रेशन, ये क्वेश्चन में पूछा था आपसे प्रूव करने के लिए, ठीक है। अगर सरफेस कन्वेक्टिव रेजिस्टेंस जीरो कर देता है तो मेरे पास क्या बचेगा, टू पाई एल इंटू टी एच एफ माइनस टी सी एफ अपॉन दिस टर्म ओनली, ये दोनों जीरो हो जाएंगे, ठीक है, अगर वो नेग्लेक्ट करने के लिए बोलता है। ओके, अब हम देखेंगे कि इनसाइड ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशियंट कैसे फाइंड करते हैं और आउटसाइड ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशियंट कैसे फाइंड करते हैं। Q इज इक्वल टू क्या होता है, यू आई ए आई डेल्टा टी इज इक्वल टू यू नॉट ए नॉट डेल्टा टी, जो इनसाइड सरफेस पे रेट ऑफ हीट ट्रांसफर होगा वही आउटसाइड सरफेस पे रहेगा। अगर मैं इसे और इसे कंपेरिजन करता हूँ, अगर मुझे इनसाइड फाइंड आउट करना है तो इस टर्म के साथ कंपेरिजन करूंगा, आउटसाइड करना है तो इसके साथ कंपेरिजन करूंगा। एक क्वेश्चन में इनसाइड के लिए पूछा है तो इसलिए मैं इनसाइड वाले को ले रहा हूँ। यू आई ए आई इनसाइड सरफेस एरिया क्या है, यहाँ पर इनसाइड सरफेस एरिया क्या है, टू पाई आर वन एल, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ टू पाई आर वन एल इंटू डेल्टा टी टू पाई एल टी एच एफ माइनस टी सी एफ डिवाइडेड बाई वन अपॉन एच आई आर वन प्लस सिग्मा एन इज इक्वल टू वन एन इज इक्वल टू एन वन अपॉन के एन एल एन आर एन प्लस वन अपॉन आर एन प्लस वन अपॉन एच नॉट इंटू आर एन प्लस वन, ठीक है। अब देखते हैं इसमें क्या क्या कैंसिल आउट हो गया, ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी टेम्परेचर डिफरेंस के साथ, टू पाई एल कैंसिल आउट हो गया, वट आई विल गेट हेयर ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशियंट बेस्ड ऑन इनसाइड सरफेस एरिया डैट इज वन अपॉन आर वन ब्रैकेट वन अपॉन एच आई आर वन प्लस सिग्मा एन इज इक्वल टू वन से एन इज इक्वल टू एन वन अपॉन के एन एल एन आर एन प्लस वन अपॉन आर एन प्लस वन अपॉन एच नॉट। ऑब्जेक्टिव में भी डायरेक्ट ये स्टेटमेंट पूछ लेता है फॉर एन सरफेसेस। अगर मुझे आउटसाइड सरफेस पे ओवरऑल ट्रांसफर कोफिशियंट पता करना होता तो यहाँ पर एरिया क्या हो जाता है मेरा, टू पाई आर फोर एल हो जाता, तो यहाँ पर क्या मिलता मुझे आर फोर मिलता वन अपॉन एच आई आर वन प्लस सिग्मा एन इज इक्वल टू वन से एन वन अपॉन के एन
एल एन आर एन प्लस वन अपॉन आर एन प्लस वन अपॉन एच नॉट इंटू आर एन प्लस वन, ये मिलेगा। लेकिन माई डियर फ्रेंड्स, ये मैंने एन फॉर एन सर्फेसिस के लिए किया है, तो इसमें इनसाइड का तो आर वन ही रहेगा, बट आउटसाइड के केस में क्या होगा, ये आर फोर, ये आर फोर तो थ्री सर्फेसिस के लिए, ये आर फोर हो जाएगा मेरा आर एन प्लस वन। क्लियर? जो टर्म यहां पर आएगी रेडियस वाली, वही यहां पर आएगी। तो ये था, इससे हमने तीन चीजें प्रूव की, एक ये, सेकंड ये, थर्ड ये दोनों ऑलरेडी आईएएस कन्वेंशनल में आ चुके हैं, ये अभी तक नहीं पूछा है, मे बी नेक्स्ट टाइम ये पूछ लिया जाए। तो यहीं पर इस क्लास को फिनिश करते हैं, ओवर करते हैं। इस क्लास में मैंने फाइव प्रॉब्लम्स करवाई हैं, जिसमें एक प्रॉब्लम जो प्रूव आउट करना है वो ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ, तो फोर प्रॉब्लम्स कराई है। नेक्स्ट वीडियो में फोर से फाइव प्रॉब्लम्स फिर मिलेंगी आपको, अच्छी अच्छी। ओके, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। रेगुलर अपडेट्स के लिए प्लीज़ रिंग द बेल। थैंक यू सो मच।